मैं हूं अभिषेक और आज हम करेंगे क्विक अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ क्विक रिव्यू एक ब्लूटूथ स्पीकर का जो कि है ज़ूक की तरफ से और स्पीकर का नाम है ब्लू ZB रॉकर एनकोर। ये एक रगेड ब्लूटूथ स्पीकर है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, काफ़ी पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है और साथ ही साथ एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसके कुछ और फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये ब्लूटूथ स्पीकर है यानी कि वायरलेस स्पीकर है, लेकिन आप इसे वायर कनेक्टिविटी के साथ भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट है यानी कि IP65 सर्टिफाइड है, यानी कि ये वाटर रेजिस्टेंट है और साथ ही साथ डस्ट रेजिस्टेंट भी है। इसी के साथ इसमें आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है जो कि 2000 mAh की बैटरी है, जिससे आपको एक अच्छा प्लेबैक मिल जाता है, काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है, तकरीबन 7 से 8 घंटे लगातार आप इसमें म्यूजिक प्लेबैक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको आप 10 मीटर की दूरी तक से यूज कर सकते हैं। इसमें हैंड फ्री मोड भी है, जिसका मतलब है कि आपने अगर अपना स्मार्टफोन इससे कनेक्ट किया हुआ है और आपके स्मार्टफोन पे कॉल आती है तो वो कॉल आप स्पीकर के थ्रू ले सकते हैं। आपको स्मार्टफोन उसके लिए डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है और स्मार्टफोन को उठाने की भी जरूरत नहीं है, वो कॉल आप डायरेक्टली स्पीकर से ही पिक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप ब्लूटूथ के अलावा 3.5 जैक से वायर्ड कनेक्टिविटी के थ्रू भी स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक रगेड स्पीकर है तो आप इसे स्पोर्ट्स यूज में भी ला सकते हैं और अपने साथ कैरी कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी जाएं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी क्वालिटी के साथ आता है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके बॉक्स में आपको मिल जाती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बॉक्स पे एक इमेज बनी है कि आप इसे इस तरह से बाइक पे भी माउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पीकर की इमेज बनी है और कनेक्टिविटी और बटन्स के बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको हम बताएंगे। खोलते हैं इसका बॉक्स और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके बॉक्स में आपको मिलती हैं। तो कुछ इस तरह का इसका इंटरनल बॉक्स है और इसको आप यहाँ से खोल सकते हैं और जैसे ही आप बॉक्स खोलेंगे तो आपको मिलेगी पहली चीज़ जो कि ब्लूटूथ स्पीकर है ZB रॉकर एनकोर। और इसको पहले दिखा देते हैं कि स्पीकर किस तरह की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। तो कुछ इस तरह का ये स्पीकर दिखता है। यहाँ पे आपको एक रबर फ्लैप दिया है जिससे आप इसे आराम से जो है हैंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसको काफ़ी खींचने पर भी इसको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है। साथ ही साथ इसको देखें तो यहाँ पे आपको मेटल का केसिंग मिलता है, एक मेटल मैश मिलता है और इसके पीछे आपको यहाँ पे स्पीकर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसके एजेस की बात करें तो एजेस पे एक रबराइज हार्ड मटेरियल है जो कि आराम से अगर आप इसे गिरा दें या फिर पानी में कहीं ये चला जाए तो उसके बाद भी ये सही चलता रहेगा। यहाँ पे टॉप पे कुछ बटन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं जिसमें ये है पावर बटन और इसके बाद यहाँ पे है वॉल्यूम माइनस बटन और यहाँ पे है वॉल्यूम प्लस बटन जिससे आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इस पावर बटन को अगर आप दबा के रखेंगे तो ये ब्लूटूथ मोड में आ जाएगा और उसके बाद जी इस तरह से। तो इसमें वॉइस नोटिफिकेशन भी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लूटूथ मोड में है और आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बटन दिया गया है ये प्ले एंड पॉज बटन है और साथ ही साथ इसी बटन को एक बार दबा के आप कोई भी कॉल जो है पिक कर सकते हैं। और अगर आपने अपने स्मार्टफोन से इसे एक बार पेयर किया है तो आप इस बटन को एक बार दबाइए प्ले पॉज बटन को और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके स्मार्टफोन से ये कनेक्ट हो जाता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे जो क्वालिटी दिख रही है, मटेरियल जो दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और डिज़ाइन के हिसाब से भी काफ़ी स्पोर्ट लुक के साथ ये स्पीकर आता है। यहाँ पे एक LED लाइट भी दी गई है जिससे आपको पता चलता है कि ये ब्लूटूथ मोड में है या फिर कनेक्टेड है। तो अगर ये ब्लिंक कर रही है इसका मतलब ये ब्लूटूथ मोड में है और पेयरिंग मोड में है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ के थ्रू आप सर्च करके। अब देखा जाए कनेक्टिविटी के मामले में तो यहाँ पे एक माइक्रो USB पोर्ट मिलता है जिसमें आप वायर लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे मिलता है आपको 3.5 mm का पोर्ट जिससे आप वायर्ड कनेक्टिविटी के थ्रू किसी भी स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चार्जिंग केबल इसके पैकेज में आती है और साथ ही साथ इसके पैकेज में आपको 3.5 mm केबल भी जो है मिलती है। तो ऑक्स केबल इसके पैकेज में है यानी कि आप किसी भी स्मार्टफोन को बिना ब्लूटूथ के थ्रू भी वायर्ड कनेक्टिविटी के थ्रू इसमें लगा सकते हैं। और चीज़ जो यहाँ पे ज़ूक ने की है डिज़ाइन के मामले में अच्छी, वो ये है कि यहाँ पे आपको एक ट्राईपॉड माउंट भी मिलता है। तो अगर आप इस स्पीकर को ट्राईपॉड पे माउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक मेटल माउंट आपको मिलता है जो कि स्टैंडर्ड ट्राईपॉड माउंट है और इससे आप किसी भी ट्राईपॉड के ऊपर इसे घुमा के लगा सकते हैं और उस तरह से ये आप ट्राईपॉड पे स्टैंड की तरह लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्पीकर अच्छा है। अब देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी किस तरह से आपको देखने को मिलती है, कितना ये लाउड है या नहीं, वो चीज़ हम पता लगाते हैं और इसको पेयर करते हैं स्मार्टफोन के साथ और चलाते हैं कुछ बढ़िया सा म्यूज़िक। कनेक्टेड Oh,
सो जैसा कि आपने सुना, इन ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि बेस जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए पोर्टेबिलिटी के हिसाब से, वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, फीचर्स और फंक्शनैलिटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पे देखने को मिलता है ज़ूक की तरफ से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज या क्वेश्चंस इस स्पीकर के बारे में हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू नीचे लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, वो आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ और देखने हैं तो आप सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।